हेलो राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? जरूर बताइएगा। तो अभी शाम के बज गए हैं एग्जैक्ट, पानी जब देखो कुछ ना कुछ गिराते ही रहता। क्या टूटा? तो 4 बज गए हैं, विभू और मैं दोनों ही जा रहे हैं योगा के लिए। विभू अकेले थे घर पे, पंखा बंद कर दो। नहीं क्या हो गया तुम्हारे पास? हो कोई चार्जर ले लो। सारे पापा को देख के तो ये अकेले घर पे, इनको नहीं छोड़ना चाहती मैं, इन्हें लेके जा रही हूँ। कुछ तो करेंगे थोड़ा बहुत, योगा से फायदा ही होगा, नुकसान तो नहीं होगा, मैं इतना जानती हूँ। इसलिए इनको कह रही हूँ चलने को। ये मास्क का डब्बा गाड़ी में रख लो, कई बार होता है ना यहाँ से निकलते हैं भूल जाते हैं मास्क लगाना। तो एक यहाँ घर में डिब्बा पड़ा हुआ था जिसको लेती जाती हूँ, और मैं कपड़े का मास्क तो ले ही लूँ। मुझे आराम तो कपड़े में ही रहता है, लेकिन बाय चांस कई बार हम भूल जाते हैं, तो ये डब्बा पड़ा हुआ था जिसको गाड़ी में रख देती हूँ। एक गाड़ी में मेरे हमेशा पड़ा रहता है डब्बा। चलिए यहाँ पे एक तो निकलते निकलते देखना पड़ता है कहाँ बंद है कहाँ खुला है। ये भी बंद कर दो। रास्ते में आते हुए थोड़ा सा प्रसाद का सामान, देखो यहाँ पंखा चला के छोड़ गए हैं, ऐसे ही है। निकल के बाहर चले गए हैं, पंखा चलता छोड़ गए हैं। ये लो भाई चाबी ले लिया। यहाँ पे ये अमेजन से आ गई है कॉपियाँ गुड्डा की, रख दिया है आके देखूंगी, मंगाया था। रवि चल के यहाँ सीबीसी करा लेती हूँ प्रिसीजन पे, फिर चलती हूँ। सीबीएसई आ गए। शांति योगा, क्लास कोई अभी है नहीं, 4 बजे 5 बजे से क्लास शुरू होती है। ये देखिए ये सारे अधोमुख आसन और ये सब के लिए है, और ये शीर्षासन लगे हुए हैं 3। इधर है त्रिकोण आसन करने का, और ये बॉक्स मेडिटेशन बॉक्स जो मेरे घर पे है आप लोगों ने देखा हुआ है वही सेम। घर पे उधर वो रूप जो हमने दरवाजे में लगा रखा है, मैंने लगभग चीजें मैंने लगाई रखी। ये शीर्षासन आपने देखा ही है। तो अभी छगन सर आ रहे हैं, उनसे मिलवाती हूँ। तो छगन सर अभी पता नहीं, शायद है नहीं, आ जाए सबसे पहले। छगन सर सो रहे हैं क्या? ठीक है, तो सर आ रहे हैं, बस कराएंगे तो करके मैं आप लोगों से मिलती हूँ फिर। तो बिल्कुल प्रोफ कर रहे हैं यहाँ पर। छगन सर अपनी शक्ल दिखा दीजिए थोड़ा। तो ये हमारे छगन सर हैं, इनका हाथ लगता है तब मेरे जादू होता है, नहीं तो मैं ठीक नहीं होती हूँ। बिना छगन सर के मैं करती, इतना दिन तबीयत खराब आप लोग देख रहे हैं, अब छगन सर के हाथों में आई हूँ। अब आप 1 हफ्ते बाद मुझे देखना।
अब सर शुरू हो गए, सर्वाइकल के मेरे रस्सी बात निकली है। तो मैं योगा से आ गई थी, अभी बैग यहीं पड़ा है, नीचे पड़ा है। आते ही सबसे पहले मैंने रोटी सेकी है। भूख लगी थी, भूख तो सबसे पहले फटाफट रोटी सेका है, वो खा के फिर नीचे खेलने चले गए हैं। और मैं जो है अभी थोड़ी देर बैठी हूँ, सब्जी बस काटी हूँ, तो चल रही हूँ। आज तो लौकी बनाऊंगी। देखो इन लोगों को, लौकी देख के इन लोगों को तबीयत गड़बड़ हो जाती है। मतलब लौकी खाना नहीं चाहते ना ये लोग, दो के दोनों ही लौकी नहीं पसंद करते, लेकिन कभी कभी तो चल बनना चाहिए ना। और आजकल मैं जैसे तबीयत खराब हुई, मैं कुछ भी मसाले वाली सब्जी नहीं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और कल बीट रूट की जो सब्जी थी, आप लोग जरूर बनाना, सच में बहुत ही टेस्टी सब्जी थी। गुड्डा को बहुत पसंद आया बीट रूट गाजर की। वो जैसे जैसे मैंने बनाया था ऐसे ही सिंपल से बनाना आप, लेकिन बहुत अच्छा लगेगा, जरूर बनाना मेरे कहने से। अब बिबू अभी आ जाएंगे, गुड्डा भी आ जाएंगी, 7 बज गए हैं। तो अब चल रही हूँ लौकी की सब्जी क्या आपसे शेयर करूँ, तो मैं फटाफट जाके लौकी की सब्जी बना लेती हूँ, फिर मिलते हैं। थोड़ा नीचे हल्का सा टहलने भी जाऊँगी, क्योंकि पैरों में जैसे ताकत नहीं है ना, तो ये बिना कुछ किए नहीं ताकत आएगी। तो वही सोच रही हूँ थोड़ा टहलूँ, थोड़ा से हल्का हल्का एक्सरसाइज बढ़ाऊँगी, तभी बैठेगा ये। ये पोस्ट वायरल इफेक्ट होता है ना बुखार के बाद में, वो जैसे कि ताकत नहीं है, वो सारी चीज़ें जो होती हैं पैरों में, जैसे दम नहीं हो, तो वो चीज़ तो रहेगा। इसलिए इसके लिए तो हमें ठीक से खाना और थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज बढ़ाना पड़ेगा। तो अभी अनार का दाना भी निकाली हूँ, चल रही हूँ, थोड़ा सा अनार दाना खाऊंगी और सब्जी बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ। चलते हैं नीचे, टहल के आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दरवाजे पे गणेश जी हैं, उनकी सबसे पहले पूजा होती है, उसका शुभ मुहूर्त आज 6:10 से 10:30 तक था। तो मैं सुबह सुबह, अभी तो 8 बज रहे हैं, तो मैं यहाँ पे जा रही हूँ ऊपर पूजा करने के लिए। तो मैंने बिभू गुड्डा क्योंकि नहीं सरका पाते, यहाँ से टेबल सरका के ले गई मैं, उस पर खड़ी होके तब पूजा कर पाऊँगी। तो मैंने रवि को बुला लिया है, फूल माला भी मंगाया है, तभी तो पॉलिथीन में ही ले रखा है मैंने। तो ये देखिए यहाँ पे दरवाजे पे सबके गणेश जी आज सब माला बदलेंगे, सभी पूजा करेंगे, आरती करेंगे। तो मैं भी इस तरह से चढ़ना होगा, एक चेयर रखा है रवि ने, फिर एक टेबल, तो हमारे अपनी हेल्प के लिए। तो अब सबसे पहले हम गणेश जी को स्नान कराएंगे।
तो पूजा हो गई, प्रसाद लो, लो बिबू प्रसाद, लड्डू खाया, हाँ लो। हाथ मिलो, हाथ दोनों हाथ, दोनों हाथ गुड्डा आ जाए उनको दे दो। तो पूजा हो गई हमारी गणेश जी की। जय गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। उम्मीद है आप सबका मंगलमय हो, गणेश चतुर्थी बहुत अच्छे से बीते, सभी स्वस्थ रहें, सब सुरक्षित रहें। सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि स्वस्थ रहें। आजकल तबीयत खराब हो रही है तो मेरे ज्यादा ध्यान आ रहा है। तो मेरी पूजा हो गई है गणेश जी की, ऊपर वहां भी कर लिया, अंदर भी कर लिया मैंने। मंदिर सोच रही है लोग अगर टाइम है तो चल चले मंदिर, थोड़ा सा जरस पास में ही होके आ जाते हैं फिर चलते हैं। चलिए आप लोग भी जा रहे हैं, चलते हैं मंदिर। बीबू को दिखाती हूँ, इसको मारना है मैं बहुत मार दूंगी। चलो फोकस ऑन योर फेथ, पूजा पूजा करने आए हो कि वो करने। तो मंदिर आ गई मैं, पूजा करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ, गणेश जी के आप लोगों को दर्शन भी करा देती हूँ। चलो सुन, सबसे पहले गणेश जी के दर्शन करा देती हूँ विघ्नहर्ता। झुक नहीं पा रहे हैं, अच्छे से दर्शन कर लिया, विभु गुड्डा हो गए। तो दर्शन के साथ ही आज की वीडियो फिर यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।